गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए अनाउंसमेंट किया है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम आपके लिए लाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद कंप्लीट रिवीजन ऑफ सिलेबस वो भी कम से कम समय में सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यूनिट नंबर वन जिसका नाम है इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का नाम है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स यू और भी कई यूनिवर्सिटी हैं जो जिसके स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हैं तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन रिजिड बॉडी अंडर रेस्ट ओके okay, कौन सा ब्रांच है साइंस का जिसके अंतर्गत हम बॉडी रेस्ट में रहता है और उसके ऊपर फोर्स को के स्टडी को फोर्स के इफेक्ट को स्टडी करते हैं ऑप्शन है आपके पास स्टैटिक्स डायनामिक्स काइनामेटिक्स और काइनेटिक्स तो स्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं बॉडी जो होता है रेस्ट में होता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ फोर्सेज को स्टडी करते हैं डायनामिक्स में क्या होता है बॉडी हमारा मोशन में होता है और उसके फोर्स uh, के इफेक्ट को स्टडी करते हैं जबकि डायनामिक का ही दो पार्ट होता है कैनामेटिक्स और कैनेटिक्स तो कैनामेटिक्स में क्या होता है बॉडीज़ आर इन मोशन बट किस कारण से मोशन में आ रहा है फोर्स के को हम काउ ऑफ द मोशन को हम कंसीडर नहीं करते हैं जबकि कैनामेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी के मोशन के साथ साथ मोशन होने का क्या कारण है उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन ए कम टू द नेक्स्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन बॉडी ऑन बॉडी रिमेंस कॉन्स्टेंट इन टाइम रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देन इट इज कॉल्ड कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को अगर हम कंसिडर करें और उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो दैट मीन्स अगर उन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है उसके डिस्टेंस के बीच में तो ऐसे बॉडी को हम कौन सा बॉडी कहेंगे ऑप्शन है आपके पास इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी रिजिड बॉडी नन ऑफ द दीज तो इलास्टिक बॉडी क्या होता है इलास्टिक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जिसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप में डिफॉर्मेशन होता है सेप एंड साइज़ में डिफॉर्मेशन होता है और जब हम उस लोड को रिमूव कर लेते हैं तो इसका वो वापस अपने ओरिजिनल सेप एंड साइज़ में आ जाता है फॉर एग्जांपल जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा स्प्रिंग के ऊपर आप लोड अप्लाई करेंगे इसकी लेंथ बढ़ती है घटती है और जब हम लोड को रिमूव कर देते हैं तो ये वापस अपने सेप में आ जाता है तो स्प्रिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक बॉडी बहुत सारे ऐसे बॉडी होते हैं जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें सेप एंड साइज में डिफॉर्मेशन होता है बट अपने जब हम एक्सटर्नल लोड को रिमूव करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं कर पाता है दैट मीन्स वो उसी पोजीशन में रह जाता है तो ऐसे बॉडी को हम लोग प्लास्टिक बॉडी कहते हैं रिजिड बॉडी क्या होता है जिसमें कि कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं तो दैट मीन्स जो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो आपका सेम रहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, डायमंड इसके ऊपर आप कितना भी फोर्स अप्लाई करें इसके शेप में किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ए पार्टिकल कैन हैव कितने तरीके का मोशन होता है जनरली तो रेक्टेल मोशन ऑप्शन है नेक्स्ट एज कर्विलीनियर मोशन रोटेशनल मोशन और एनी वन ऑफ द एवो तो रेक्टेल रैक्टेलियर मोशन में क्या होता है जो पार्टिकल्स हमारा होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अला मूव करता है कर्विलीनियर मोशन में पार्टिकल्स हमारा कर्व पाथ को फॉलो करते हुए मोशन में होता है जबकि रोटेशनल मोशन में सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए पार्टिकल मूव करता है तो उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं तो अकॉर्डिंग टू पार्थ ऑफ द मोशन इन तीन में से कोई भी मोशन हो सकता है किसी भी पार्टिकल्स का तो करेक्ट ऑप्शन है आपके लिए ऑप्शन नंबर डी एनी वन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट अलॉन्ग साइड्स ऑफ ए स्क्वायर स्क्वा ऑफ लेंथ एल एंड आफ्टर सम टाइम्स इट कम्स टू द ओरिजिनल पोजिशन इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी वाट ऑप्शन है आपके पास एल थ्री एल फोर एल एंड जीरो तो मान डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट उसको हम लोग क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक स्क्वायर uh, ब्लॉक है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है एल तो चारों साइड इसके कितने हो गए लेंथ एल हो गए कोई एक पॉइंट है ए यहाँ से कोई एक पार्टिकल मूव करना शुरू हो रहा है इस लाइन के अलाउंग इस लाइन के अलाउ उसके पेरी के अलाउंग होते हुए वापस और अपने ए पॉइंट पर ही आ जाता है तो इस केस में इनिशियल और स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच जो डिस्प्लेसमेंट uh, हो रहा है जो डिस्टेंस है वो क्या है ज़ीरो तो दैट मीन्स अगर कोई पार्टिकल्स किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए वापस अपने उसी पॉइंट पर आ करके कर रुक जाता है तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो ज़ीरो तो दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर है आपके लिए वो है ऑप्शन नंबर डी तो एग्ज़ाम में आपके सामने हो सकता है कहीं सर्कुलर पाथ दे दिया और उसमें पूछा जा रहा है कि एक पार्टिकल से ए पॉइंट से मौसम शुरू हुआ है इसका और वापस ए पॉइंट पर ही आ गया तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो आप याद रखेंगे उस केस में भी आपका क्या होगा आंसर ज़ीरो ही होगा क्योंकि कोई भी पार्टिकल जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करना शुरू किया और जिस उसी पॉइंट पर आ करके रुक गया तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है शॉट वो क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ट्रू और फॉल्स क्या ये सही है या गलत है तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स और स्पीड क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड द स्पीड तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर इज बी

मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केवल मैग्नीट्यूड से वैसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और अगर कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है तो वैसे क्वान्टिटी को हम लोग बोलते हैं वैक्टर क्वान्टिटी तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज द बी ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर क्वान्टिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द वेक्टर क्वांटिटी पावर टॉर्क हीट एंड वर्क तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसमें एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा क्वांटिटी हमारा स्केलर के अंदर आता है और कौन कौन सा क्वांटिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है तो अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है आपका टाइम टेम्परेचर मास डिस्टेंस स्पीड पावर वॉल्यूम हीट वर्क इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो ये सारे जो क्वांटिटी हैं ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है जबकि अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है फोर्स एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड ये सारी जो क्वांटिटी हैं ये वेक्टर क्वांटिटी हैं क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के रिक्वायरमेंट होती है तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी कॉम्बिनेशन बना करके एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आपको ये चार्ट याद रख लेना है रिविजन करते वक्त आप एग्जाम के समय इस चार्ट को याद रख कर के एक क्वेश्चन आप वहाँ से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन वट विल बी द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज द बी टॉर्क टॉर्क इज द वैक्टर क्वान्टिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव ए ब्लॉक बाई ए डिस्टेंस ऑफ टू मीटर रेफर टू द डायग्राम डायग्राम आपको दिया हुआ है एक ब्लॉक है इसके ऊपर हंड्रेड न्यूटन का फोर्स लग रहा है सिक्सटी डिग्री एंगल से और ये दो मीटर के डिस्टेंस जो है मूव हो रहा है तो इस केस में आपको निकालना है वर्क डन कितना होगा ऑप्शन है आपके पास फिफ्टी जूल हंड्रेड जूल वन फिफ्टी जूल टू हंड्रेड जूल तो वर्क डन इक्वल्स टू हम जानते हैं फार्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थ्रीटा तो डब्ल्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस सिक्सटी का वैल्यू हो जाता है वन बाई टू और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा हंड्रेड जूल तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन एफपीएस यूनिट सिस्टम मास इज रिप्रेजेंटेड इन एफपीएस सिस्टम में मास को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्शन आपके पास ग्राम किलोग्राम पाउंड और न्यूटन तो हम लोग जानते हैं सी सिस्टम में सॉरी एफ पी एस सिस्टम में क्या होता है फुट पाउंड सिस्टम में सेकंड सिस्टम में मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाउंड से तो ये आपको याद रखना है सी सिस्टम में जो है लेंथ सेंटीमीटर से मास ग्राम से और टाइम हमारा सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में क्या होता है लेंथ को हम फूट फीट से या फिर फूट फूट बोलें या फीट बोलें एक ही है लेंथ को फुट से मास को पाउंड से और टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं और एम सिस्टम में लेंथ को मीटर में मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में रखते हैं तो इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा एफ सिस्टम में मास को हम लोग पाउंड से रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट द फंडामेंटल क्वान्टिटी इनमें से कौन फंडामेंटल क्वान्टिटी नहीं है ऑप्शन है आपके पास मास इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इन ऐसा सिस्टम सात हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होते हैं जो प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन का यूज़ करते हैं और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए स्टे रेडियन का यूज़ करते हैं ठीक है तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इस केस में ऑप्शन नंबर डी वॉल्यूम वॉल्यूम इज़ नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या होता है डिपेंडेंट होता है लेंथ पे तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज द डी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सिस्टम सिस्टम ऑफ यूनिट यूनिट में फोर्स का क्या होगा यूनिट ऑप्शन है आपके पास के जी मीटर स्क्वाड के जी मीटर पर सेकेंड स्क् के जी मीटर पर सेकेंड तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इन टू तो मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम के सिस्टम में के जी से और एक्सलेशन का हमारा यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हमारा फोर्स का जो यूनिट हो जाएगा एम के सिस्टम में वो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है तो अब इसी क्वेश्चन को और भी कई तरीके से पूछा पूछा जा सकता है किसी और चीज़ का किसी और फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट पूछा जा सकता है तो उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो कोई और भी आपको ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है कि वर्क को एम के सिस्टम में वर्क का एम के सिस्टम में यूनिट क्या होता है तो वर्क इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या होता है फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट होता है और फोर्स का अभी हम यूनिट निकाल चुके हैं क्या फोर्स का यूनिट निकाल चुके हैं के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसका यूनिट हमने यहाँ पुट कर दिया और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में तो वर्क का हमारा यूनिट क्या हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग न्यूटन तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा ऐसा ही सिस्टम की अगर हम बात करें तो वर्क का जो हमारा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर और वन न्यूटन मीटर को बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जूल में तो आपका वर्क का एम के सिस्टम में जो यूनिट हो जाएगा वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ठीक है कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि जो है वर्क है वर्क का सी सिस्टम में क्या यूनिट होगा तो आपको याद रखना है कि जो सी सिस्टम होता है उस सी सिस्टम में के को हम लोग किस में रिप्रजेंट करते हैं यानी कि मास को हम लोग किस में रिप्रजेंट करते हैं ग्राम में और जो हमारा डिस्टेंस होता है लेंथ होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें सेंटीमीटर में और जो टाइम है वो हमारा सेकंड में ही रहता है तो अगर सी में पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है बस जहाँ के लिखा हुआ है उसको उसके जगह पर ग्राम लिख देना है जहाँ मीटर लिखा हुआ है वहाँ पर उसके जगह पर सेंटीमीटर लिख देना है और सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा तो हमारा सी सिस्टम में वर्क का जो यूनिट हो जाएगा वो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अगर मान लिया जाए आपसे पूछा जाता है कि एफ पी एस सिस्टम में बताइए एफ पी एस सिस्टम में वर्क का क्या यूनिट होगा तो एफ पी एस सिस्टम में हम लोग क्या जानते हैं कि जो मास है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाउंड में और जो लेंथ है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फुट में और जो सेकेंड है वो हमारा सेकेंड में ही रहता है तो एफ पी एस सिस्टम में इसी वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा एल बी स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम जैसा भी ट्विस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरीके से आप पावर है पावर का यूनिट निकाल सकते हैं पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क तो वर्क अपॉन टाइम इज द पावर तो वर्क का हम लोग निकाल चुके हैं यूनिट के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और डिवाइड कर दिया सेकंड से तो आपका यूनिट आ गया के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब और वर्क को एसआई SI सिस्टम में आप इसका यूनिट लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड तो इस तरीके से आपको कोई भी कॉम्बिनेशन बना करके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इस फिज़िकल क्वांटिटी का एम सिस्टम में क्या यूनिट होता है या फिर सी सिस्टम में क्या यूनिट होता है या फिर एफ सिस्टम में क्या यूनिट होता है तो बहुत आराम से आप इसको ऑप्शन को आप करेक्ट ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट हंड्रेड इंटू सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ से हो सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके पास ऑप्शन है हंड्रेड डाइन हंड्रेड डाइन पर सेंटीमीटर वन थाउजेंड नाइन परसेंट मीटर या फिर वन थाउजेंड नाइन परसेंट मीटर स्क्वायर तो जहाँ कन्वर्जन का आपको प्रॉब्लम रहेगा कोई आपके पास क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आपको एक टेबल याद रखना पड़ेगा ये लंबा टेबल है बट इसमें आपको एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ज़रूर याद रखने हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का हमारा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड और इसको कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में तो मीटर को हम लोग हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में तो इसका हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर यानी कि हंड्रेड सेंटीमीटर पर सेकंड तो एक कन्वर्जन आपको याद रखना है कि एक मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू तो हंड्रेड सेंटीमीटर पर सेकंड। वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू तो हंड्रेड सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये तो बेसिक चीज़ है ये या आपको याद रहेगा वन टू थ्री सीरियल नंबर वन टू थ्री तो आपको आपको ऑलरेडी याद रहेंगे बट बॉटम के जो चार हैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे फोर्स का यूनिट होता है आपका एस SI सिस्टम में न्यूटन uh, होता है और एम सिस्टम की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर वन न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है सी सिस्टम में तो वन न्यूटन इक्वल्स टू होता है टेन टू दावर फाइव डाइन तो ये आपको याद रखना पड़ेगा प्रेशर होता है वन पार्सकल सीरियल नंबर फाइव पे तो वन पार्सकल इक्वल्स टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ठीक है वन पासकल मतलब सी सिस्टम में इसका यूनिट हो गया और वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब एम एस सिस्टम में प्रेशर का यूनिट हो गया तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है सी में तो आपको याद रखना है कि वन पासकल इक्वल्स टू टेन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो जैसे कि आपको ऊपर एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है कि कन्वर्ट वन हंड्रेड पासकल इंटू सी सिस्टम ऑफ यूनिट तो वन पास कल इक्वल्स टू टेन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हंड्रेड पास कल इक्वल्स तो टू कितना हो जाएगा तो हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टेन तो यानी कि वन थाउजेंड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक है किन? तो इसमें ये आपका करेक्ट आंसर हो गया आंसर नंबर डी हंड्रेड वन थाउजेंड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो उस टेबल में से कोई भी कॉम्बिनेशन बना करके आपको पूछा जा सकता है कि सीजीएस को एसआई SI सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए या फिर सीजीएस को एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए या फिर एमकेएस को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए ऐसा आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पकड़ में आ जाएगा तो आज के लिए इतना ही आपका यूनिट नंबर थ्री वन में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हुए इतने सारे क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में तो इसको आप तैयार कर सकते हैं ओके okay, तो थैंक यू मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर टू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ